तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिखते हो, जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। यार आज की जो वीडियो है ना, वो मतलब अभी वैसे ऐसे सोच ही रहा था आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है। हैशटैग रिवील प्राइस ऑफ फ्रॉन्क्स, रिवील प्राइस ऑफ जिमनी फाइडोर, ये आप लोगों को नीचे भी लिखना है। और एक ट्विटर का लिंक दे दूंगा मैं, जो मैंने पर्सनली ट्वीट करा है। यार दो तीन चीज़ें हैं जो मारुति से अभी मैं ना पूछूं। देखो मारुति मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड रही है, एंड हर साल आप लोग लगा लीजिए, सबसे पहले मेरे पे बलिनो थी, मतलब बलिनो से, बलिनो के बाद रिट्स आई, एल्टो भी ली है मैंने, स्विफ्ट ली है, ब्रेजा ली है, मतलब मारुति की गाड़ियाँ हर साल में जो है एक ना एक लेता रहता हूँ। अब देखिए ब्रांड से इतना ट्रस्ट है तो, पर ब्रांड जो है हमारे साथ इतना अच्छे से बर्ताव कर नहीं रही है, ट्रस्ट अच्छे से पेश कर नहीं रही है। मैं दो तीन चीज़ें बोलना चाहूँगा, रीजन बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि देखो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, तो हाँ मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता इनका प्राइस एकदम से रिवील करना, या फिर बहुत सारे चीज़ों के अंदर निकलती है, तो अगर मैं बोलूँगा तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट मैं एक वो कस्टमर हूँ जिसने जिमनी फाइडोर बुक कराई है और मेरे भाई ने जो है फ्रॉन्क्स बुक कराई है। अब मैं ऐसा कस्टमर बोल रहा हूँ कि अभी कल परसों मैं देख रहा था 28,000 टोटल जो बुकिंग्स आ चुकी हैं हमारी जिमनी और फ्रॉन्क्स की। अब 28,000 को अगर हम 21,000 जो है मिनिमम अमाउंट रखा गया, फ्रॉन्क्स का पहले 11,000 लिया जा रहा था, 25,000 जो है जिमनी फाइडोर का लिया जा रहा था, मैंने लमसम जो है 20-21,000 के आसपास लगा लिया। इसको अगर हम 28,000 बुकिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो 58 करोड़ रुपए बनते हैं। 58 करोड़ जो है इंडियन कस्टमर्स ने, कंज्यूमर्स ने, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, एक्यूरेट नहीं है, 58 करोड़ के आसपास जो है इंडियन कस्टमर्स ने अपने पिछले 2-3 महीने से जो है मारुति को जमा कर रखे हैं कि भैया लो हमें गाड़ी दे दीजिए। सबसे पहली चीज ये कि मीडिया ड्राइव हो चुकी है फ्रॉन्क्स की। मीडिया ड्राइव के बाद बोला गया था कि 15 अप्रैल के आसपास इसके प्राइस कर दिए जाएंगे, 20 तारीख के आसपास जो है गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, और ये हर जगह सेम ऐसे ही था। और उनके जो ओनर मतलब मारुति के सीईओ ने भी सेम चीज बोली थी। आज जो है 18 तारीख हो चुकी है, ना प्राइस इस गाड़ी का बताया गया, साथ ही साथ ना ही भाई इस गाड़ी का जो डिलीवरी कब से स्टार्ट होंगी, वेरियंट वाइज जो चीजें वो नहीं बताई गई। तो ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा गलत लग रही है। जिमनी फाइडोर का मतलब मैं फ्रॉन्क्स का ही बता रहा हूँ, मैं जिमनी फाइडोर के बारे में तो बात का ख्याल है, वो गाड़ी तो शायद अभी तक प्रोडक्शन में ही नहीं गई होगी जिमनी फाइडोर, क्योंकि जैसा शशांक जी ने कहा था कि मारुति फ्रॉन्क्स के 2 हफ्ते बाद जो है हम जिमनी फाइडोर को प्रोडक्शन लाइन में भेज देंगे जब उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी ये डिलीवरी नहीं गई है तो प्रोडक्शन लाइन में गई भी नहीं होगी। यार देखिए ये चीज से ना मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं मारुति के, कि आप लोग ने ना कस्टमर्स को लॉक करके रख लिया है इमोशंस। यार एक बंदा ना पूरे साल क्या मतलब कई कई साल मेहनत करके गाड़ी लेता है, उसके बाद वो लोग बजट बनाते हैं, लोन सैंक्शन करवाना होता है, अप्रूव कराना होता है, उसके बाद जो है गाड़ी लेने का प्लान बनता है। अब भाई किसी बंदे को गाड़ी लेनी है, उसको आप लोगों ने प्राइस बताया ही नहीं एक्चुअल में अभी तक, कि एक्चुअल में इस गाड़ी का प्राइस कितना होगा, तो वो कहां से रुपए का जुगाड़ लगाया। मैं पर्सनली देखो अपना खुद का बताऊं कि चलिए मैं कस्टमर हूं, मुझे जिमनी फाइडोर लेनी है, अब ये लोग मेरे को बोल दें कि भाई आज तुम्हारी जो गाड़ी है उसका 11 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है, और 2 महीने बाद जो डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी ऑन रोड जाओ गाड़ी आपको 12-12.5 लाख के आसपास पड़ेगी। तो भाई मेरे जैसा बंदा जो है मिडिल क्लास परिवार का बंदा जो है वो ना आज से रुपए जोड़ने स्टार्ट करेगा, या फिर उस बंदे ने जहां जहां पे अपने रुपए लगा रखे हैं उन सबसे बोलेगा कि भैया मुझे रुपए वापस चाहिए, गाड़ी लेनी है, या जिस भी हिसाब से मान लीजिए मेरे को गाड़ी बेचनी, अपनी गाड़ी बेचूंगा उसके हिसाब से जो है फिर हम लोग करेंगे। अब भैया फ्रॉन्क्स की आप लोग डिलीवरी बोल रहे हैं 3 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है, 4 दिन बाद 20 तारीख को स्टार्ट होने वाली है, अब उस बंदे का क्या जिसको अपनी गाड़ी बेचनी होगी, या फिर उस बंदे का क्या जिसने अपनी गाड़ी बेच भी दी होगी बस आपके इन फॉल्स प्रॉमिसेस को लेके कि भाई हाँ 15 तारीख को प्राइस आ जाएगा, 20 तारीख को हम लोग गाड़ी डिलीवरी दे देंगे। भैया एक बंदा जिसके पास केवल एक गाड़ी थी, उसने आपके स्टेटमेंट पे या फिर जो भी न्यूज व्यूज में आया था उस पर अपनी गाड़ी बेच दिया, वो बिना गाड़ी के है। और जबकि बात यह है कि भाई गाड़ी जो है मीडिया ड्राइव भी उसकी हो चुकी है और लोगों ने रिव्यू भी दे दिए, अपने जर्नलिस्ट ने सबने रिव्यू भी दे दिए, उसके बावजूद जो आप लोग प्राइस हो रही है सब नहीं लॉन्च कर रहे, तो ये चीज जो है मेरे को बहुत ही ज्यादा गलत लग रही है मारुति की, कि प्लीज एटलीस्ट इमोशंस के साथ मत खेलिए। जिमनी फाइडोर की तो मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, फ्रॉन्क्स ही कर रहा हूँ। फ्रॉन्क्स जो है गौरव भाई ने बुक कर रखी, विवेक ने बुक करके, दो जिन्होंने मेरे परिवार में पर्सनली बुक कर रखी है, सबसे पहली बुकिंग है, सब लोग जो है लोन के पेपर लेके सब कुछ लेके बैठे हुए, कोई न्यूज नहीं है। विवेक ने तो अपनी पोलो भी बेच दी भाई, उसने अपनी गाड़ी भी बेच दी ये करके कि उसको फ्रॉन्क्स लेनी है ना। तो ठीक है भाई ये चीज है, आप पर्सनली परिवार में बीती है ना तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज मेरे को बहुत ही गलत लगी मारुति की तरफ से, एटलीस्ट आप प्लीज लॉक करके मत बिठाइए किसी को, प्राइस बता दो यार, उसके बाद जो है बंदे को बुकिंग कैंसिल करानी होगी बुकिंग कैंसिल करा लेगा, किसी दूसरी गाड़ी पे जाना हो दूसरी गाड़ी पे चले जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इंडियन मार्केट में आप लोग ही जो है सबसे ज्यादा अच्छा दे रहे हो, और भी कंपनीज हैं जो मतलब इसी रेंज में जो है गाड़ियां देने लग रही है, और आप ही की गाड़ी है, बलिनो किसी को, कोई बलिनो ले लेगा कोई ब्रेजा पे चले जाएगा। तो प्लीज
एटलीस्ट प्राइस बता दो, और आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोगों को मेरी ये थोड़ी बहुत भी बात सही लगी हो तो लिख के बताना। बाकी देखिए मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि आप लोग 58 करोड़ रुपए, मतलब इन लोगों ने 100 करोड़ रुपए बुकिंग में ले रखे तो उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं। अब 3-4% या जितना भी इंटरेस्ट आता होगा तो हम महीने का कितना होगा आप लोग खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए। बाकी मैं नहीं बोल रहा, मैं ये कोई भी जो इनका किसी भी मुद्दे का मतलब जो भी ये स्टेटमेंट है इन सब का मैं वो नहीं करता कि भाई हाँ ये 100% सही है, मैंने सुना था ये चीजें तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी हाँ इस चीज से मैं दुखी हूँ कि अभी तक आप लोगों ने प्राइस नहीं बताया जिम्नी फाइडोर का और मारुति फ्रॉक्सा। जिम्नी फाइडोर के अगर मई में आप लोग डिलीवरी स्टार्ट करो तो एक महीने पहले बता दो ना यार, बंदे अपने उसी हिसाब से फिर खर्चे कम करेंगे। या फिर देखो एक चीज है, मान लो मेरे को पता है कि जिम्नी फाइडोर नेक्स्ट मंथ आने वाली है तो उसी हिसाब से मैं अपने खर्चे ना मतलब कम करूंगा कि भैया मैं बम्पर ना लगवाऊं इस महीने, मैं अलॉय व्हील्स पे ना इन्वेस्ट करूं, मैं उटपटांग खर्चे ना करूं। ऐसे तो है नहीं, देखो भैया अंबानी के बच्चे के हमारे पास इतना रुपया है कि भाई हाँ कल प्राइस दिए कि ले 15 लाख रुपए लिया है, ठीक है। सब कुछ सोच के चलना पड़ता है, सिस्टमैटिक वे में होता है, उसी हिसाब से बंदा प्लान करता है। और अमीर गरीब की बात भी नहीं है यहाँ पर, दूसरी कंपनीज क्या करती है वरना आई उसकी जो है विदिन थोड़े दिन में उन लोगों ने प्राइस बता दिया, डिलीवरी स्टार्ट होने लगी। तो ये जो है ना अलादीन का चिराग टाइप से बना लिया मारुति ने, बता भी नहीं रही है कि प्राइस एक्चुअल में क्या रहने वाला है गाड़ी का, और सभी लोग जो है सस्पेंस में रहने हैं। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी गलत जो है लग रही है। बाकी अगर आप लोगों के पास और भी कोई पॉइंट्स है तो मुझे लिख के बताना जरूर, हम लोग जो है उस चीज पे भी थोड़ा सा मतलब डालेंगे। बाकी ठीक है, आज एक ऐसे आप लोगों से दिल की बात शेयर करनी थी, ऐसा नहीं है कंटेंट नहीं, कंटेंट और भी बहुत सारा है, बट हाँ मुझे लगा कि मेरे को ये चीज जो है आपसे शेयर करनी जरूरी है कि एक्चुअल में प्राइस क्या रहेगा, क्या कुछ रहेगा। बाकी चलते चलते मेरी प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशंस में आपको बताऊं तो जो बलिनो है वो समथिंग 661,000 के आसपास स्टार्ट होती है फॉर द सिग्मा वेरिएंट। ये गाड़ी जो है बलिनो से ऊपर ही जाएगी, आप लोग 80,000 रुपए से 1,00,000 रुपए ऊपर तक मान लीजिए, यानी कि समथिंग 7,61,000 एक्स शोरूम पड़ेगी, ऑन रोड आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। वहीं पे जिम्नी फाइडोर की जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन थी आएगी, शशांक जी ने कहा था कि इस गाड़ी को कंपेटिटिव रखा जाएगा, कंपेटिटिव में केवल थार से रखा जाएगा। थार का जो बेस एंड वेरिएंट आ रहा है वो 10.99 लाख के आसपास आ रहा है एक्स शोरूम, तो 11 लाख रुपए में अगर ये लोग बेस वेरिएंट ले आते हैं यानी कि जीटा मॉडल ले आते हैं तो भैया सोने पे सुहागा ये गाड़ी। एनीवेज ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करते हैं बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलेंगे बाय और धन्यवाद।